subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now question 27 is, while determining the density of the metal block using a spring balance, आपको डेंसिटी ऑफ मेटल बॉक्स बताना है किसके, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस का यूज कर रहे हैं एंड अ मेजरिंग सिलेंडर, और एक मेजरिंग सिलेंडर आप ले रहे हैं. राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी आपको बताना है. तो फर्स्ट इज स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें, यूज स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द वेट ऑफ द मेटल बॉक्स. सबसे पहले आप स्प्रिंग बैलेंस का यूज कीजिए. ये आपको मेटल बॉक्स दिया हुआ है, इस मेटल बॉक्स को आप क्या करेंगे, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, यहां पर आप रख के आप देख लेंगे कि क्या यहां पर रीडिंग आ रही है. तो उसका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा यहां पर केजी के अंदर. अब आपने ये मेजर कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद इमर्स द ब्लॉक इंटू द ओवरफ्लो जार एंड कलेक्ट द ओवरफ्लो लिक्विड इंटू द मेजरिंग जार टू गेट द वॉल्यूम ऑफ द ओवरफ्लो लिक्विड. आप इस जो सिस्टम है, आप क्या करेंगे, एक बिल्कुल ओवरफ्लो जार लेंगे जो टॉप तक जो है ये भरा हुआ होगा, ठीक है, किसी लिक्विड में. अब इसके अंदर जब आप क्या करेंगे, इमर्स करेंगे ब्लॉक को. ब्लॉक को आपने क्या किया, इमर्स किया, एंड देन आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी क्या है, ये वेट बैलेंस आप यूज कर रहे हैं. तो पहले आपका यहां पर आ रहा था, से दैट के मैं यहां पे ऑब्जर्व कर देता हूं कि आपका यहां पर मार्क आ रहा था. अब क्या होगा, जब आप इमर्स करेंगे तो नीचे की तरफ से क्या लगेगी, नीचे की तरफ से फोर्स लगेगी यहां पे, बाउंसी फोर्स. तो अब ये मार्क जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो रीडिंग भी आपने ले लेनी है. और इसके साथ साथ भी क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे कि ओवरफ्लो जो लिक्विड होगा वो आप एक मेजरिंग जार के अंदर यहां पर जो है किसी तरह से कनेक्ट करके यहां आप ले लेंगे. ये मेजरिंग जार होगा जहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी यहां पर मेजर लिखा होगा. अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको करना है द वॉल्यूम ऑफ द ओवरफ्लो लिक्विड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बॉक्स. जितना वॉल्यूम जो है ओवरफ्लो किया गया लिक्विड का, वही सेम वॉल्यूम जो है इस मेजरिंग ब्लॉक का होगा. नाउ उसके बाद डिवाइड कर देंगे मास ऑफ मेटल ब्लॉक बाय द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड टू गेट द डेंसिटी. आपने मास जो पहले ही मेजर किया हुआ है, और उस मास को जितना वॉल्यूम यहाँ पे निकला है ओवरफ्लोन का, उससे डिवाइड कर देंगे और आपको मेटल ब्लॉक की डेंसिटी पता लग जाएगी.